मैं मोटा रखी है। मोटा रखे हैं, बैठ बैठ के खा ले हैं। तुम्हारा भी घर लगेगा तो बुला लेना ब्लॉग बनाने को करके। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम पहला। और आज एक नई दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ करते हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। और मैं आज का व्लॉग अपने 8 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ और अच्छी खासी धूप आ रखी है, हिमालय वगैरह तो कुछ दिख नहीं रहे। और कल रात को आपको सभी को फील हुआ होगा कि कल रात को कितना ज़्यादा भूकंप आया था 2 बजे। मुझे तो बहुत डर लग गई थी, बहुत देर तक आया और बहुत तेज़ भूकंप आया कल रात। तो चलते हैं अब नीचे की ओर, देखते हैं क्या चल रहा है। कल रात या वैसे आज सुबह भी बहुत भूकंप आया था 6:30 बजे और बहुत लोगों को फील भी नहीं हुआ था सुबह का भूकंप, लेकिन आया था सुबह भी भूकंप। ये बन रही है आज चावल की रोटी और यहाँ पे जली है आग, कितनी अच्छी आग जली है। और ये बनी है हमारी हरी सब्जी। हरी सब्जी के साथ आज हम रोटी खाएंगे, हरी सब्जी, घी और सुबह का नाश्ता। तो गाइस अभी मम्मी आएंगी तो वो आग में बनाएंगी यहाँ पे रोटियाँ और मैं तो सिर्फ खाने वाली ही रहती हूँ आजकल। और मम्मी आग में वैसे भी मेरे से बनती नहीं है बैठ के। तो गाइस यहाँ पे बना रही है मम्मी आग में रोटी और ये केले के पत्ते में बना रही है इस तरीके से। केले के पत्ते में अच्छे से रोटियाँ बनती हैं, चावल की या मडवे की रोटियाँ। तो मम्मी बना रही है केले के पत्ते में, देखिए किस तरीके से गोल गोल करके घुमा रही है। अभी खाऊंगी मैं तो। यहाँ पे देवेन और पापा जी खाना खा रहे हैं और पापा साथ में मेरा कल वाला व्लॉग भी देख रहे हैं। ये है चावल की रोटी और घी, हरी सब्जी, दूध और साथ में गुड़ लाई हूँ तो मैं खाना खाती हूँ। तो गैस अब मैं जाती हूँ नीचे, खाना वाना तो हमने खा लिया था आगे और अब मुझे धोने हैं कपड़े, तो कपड़े धोती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। तो गैस मैं कपड़े लेके आ गई हूँ, इतने कपड़े, और इनको डालती हूँ धूप में। मैंने इतने कपड़े धो दिए हैं, मतलब सुखाने भी डाल दिए हैं। अब थोड़ी देर सेकती हूँ यहाँ पे धूप। अभी बजा है दिन के 11 बजे और साथ में मैं लेके आई हूँ 2 माल्टे यहाँ पे बैठ के खाने के लिए। इनको खाती हूँ और थोड़ी देर धूप सेकती हूँ, फिर तो दिन का खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। अभी वैसे काफ़ी अच्छी धूप आ रखी है, आज थोड़ा धुंध थी, मतलब वो नहीं था। आज सुबह सुबह एक बार मौसम ख़राब हो गया था, सुबह तो धूप थी उसके बाद फिर कोहरा सा लग गया था। अभी थोड़ी धूप आई है, हिमालय वगैरह तो आज कुछ दिख नहीं रहे तो मैं आपको वो दिखा नहीं सकती हूँ। मैंने आज ऐसे टोपी पहन रखी है, पहाड़ी टोपी, तो बताना कैसी लग रही है। ये मिली है मुझे आज, तो मैंने सोचा कि मैं पहन लेती हूँ। हो रहा है, बहुत खट्टा हो रहा है। वैसे मुझे इतना खट्टा खाने का मन नहीं करता है। कल खाया था मैंने, एक मिठाई हो रहा था तो मुझे लगा मिठाई होगा तो मैं 2 दाने लेके आ गई, लेकिन ये भी खट्टा हो रहा है। और हाँ, आज है उत्तराखंड स्थापना दिवस और आप सभी को उत्तराखंड स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ पापा जी के लिए खाना बना के और अब मुझे कुछ और काम करना है। मम्मी तो गई है, ग्वाला गई थी गाय और बकरी को लेके, और मम्मी ने दे रखा है कुछ सिलने को। तो गाइस मुझे इतने सारे पेटीकोट में सिलाई लगानी है मम्मी के। मैंने मम्मी के सारे पेटीकोट में ना सिलाई मार दी है और अब मैं इसको मम्मी के कमरे में रख के आती हूँ। और अब
चलते हैं छत में और छत से कपड़े उठा के लाती हूँ, फिर जाती हूँ नीचे मम्मी के साथ खेत में। मम्मी क्या कर रही है वो दिखाती हूँ आपको। अभी बज चुका है 4:30, अब मेरे पति देव का आने का भी टाइम हो रहा है। वैसे अभी तो नहीं, मतलब 5-5:30 बजे तक आएंगे। मैं कपड़े उठा लेती हूँ, बस आज जल्दी धूप चलेगी है। वैसे दिन भर आज बादल थे, कभी बादल कभी धूप। मेरी तो सीढ़ी क्योंकि मैं ऊपर नीचे चलने में ही थकान हो जा रही है। तो एक कपड़े रखते हैं रूम पे, अब जाते हैं खेत में। वो नीचे जाने हैं। ये देखिए गाइस कितने अच्छे फ्लावर लगे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी। ऑडी ले, ये ऑडी को आज हमने दिन भर बांध रखा है। ये देखिए यहाँ पे हमने खेत में पालक वगैरह लगा दिया है। पापा जी ने पालक लाई वगैरह, पहले इसमें बीन्स लगाई थी। इसमें लगाने हमको आलू, इसमें और शायद इसमें भी लगाएंगे। और यहाँ पे अभी जब हल जोतने वाले या ट्रैक्टर कोई भी आएगा तो इसमें अभी गोबर फेंक रखा है। और यहाँ पे मम्मी गोबर निकाल रही है शायद, मतलब खाद जो पुरानी वाली है। तो मम्मी का ये काम चल रहा है। हेलो, ये देखो हाथ, मैं देखो मैंने कहा नहीं है गोबर के हाथ। मैंने सोचा क्या कहते हैं, आ जाती हूँ मैं नीचे को। गोबर फेंक रही है, बहुए ब्लॉक बना रही है, बहुए मोटा रखी है, मोटा रखी है। ये है सांप, ये परसों कुछ दिन पहले मम्मी ने मारा था और उसमें मधुमक्खियाँ लगी हैं। उसकी आधी बॉडी तो खा ली है इन लोगों ने, आधी और बची है। ये देखो वो वहाँ पे लटक गया। क्या कहते हैं, वहाँ जब मैं हल्द्वानी नहीं जा रही थी वहाँ पे मैं चलने लगी, पैर के नीचे इतना ही बड़ा सांप मिला। पता नहीं इसके तो जीभ में होने वाला हुआ जहर। और ये देखिए गाइस, ये है केले के पेड़ और वहाँ पे केला भी लगा है, मतलब हो जाएगा कुछ दिनों में। और यहाँ से ये हमारा घर, ये हमारी झाड़ू में धूप सेकने वाली जगह होगी। यहाँ पे, यहाँ पे लगता है पापा जी का बेड, यहाँ पे शाम तक धूप रहती है। ये दिख रहा है यहाँ से हमारा घर, और मम्मी आ गई है ऊपर वाले खेत में। अब यहाँ पे भी हमें गोबर खेत में डालना है डलिया से, फिर हल जोतने वाले आएंगे तो फिर काम हो जाएगा। और ये इस टाइप की लोकेशन है, और वो पीछे दिख रहा है वो चाची लोग का घर है, और मम्मी यहाँ पे काम कर रही है। और यहाँ पे लोकेशन कुछ इस टाइप की है। आज मैंने सुबह से ही टोपी भी पहनी है। वो एक चाची कह रही थी आपसे भी कह दिया और उनसे भी कह दिया, उनको ब्लॉग लगा होगा ना, जो ये घर बनाने वाले ब्लॉग होते हैं, तभी कहा उन्होंने ब्लॉग बना दिए वो करके। मैं तो कहने वाली थी एक बार तुम्हारा भी घर लगेगा तो बुला लेना ब्लॉग बनाने को करके। हाँ मैं सबके ब्लॉग बना दूंगी। यहाँ पे क्या बो रखा है ये बीज के लिए? अच्छा, यहाँ पे पालक भी अच्छा होता वैसे। पालक ही बोना था यहाँ पे, यहाँ पे गोबर था ना पहले। गोबर वाली जगह पे पालक ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे सारा काम हो चुका है और अब शाम भी हो गई है, और मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।